नमस्कार रेल साथियों, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे जेई इंटरमीडिएट CNW का मैकेनिकल का जमालपुर पूर्व रेलवे जमालपुर कारखाना का पेपर सोल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 33 ले लिया था और सेकंड पार्ट में हमने 34 से 66 तक लिया था। अब हम ये लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3, जिसमें आपके 67 से 100 तक के प्रश्न होंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, BR क्लासेज राजभाषा का अलग से वीडियो बनाता है, तो जो 10 प्रश्न रहेंगे उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चलते हैं पेपर में। पेपर में चलते हैं साथियों, वहां हम आपके 67 से हल करेंगे। ये आ गया आपका 67 आ गया है। सिक्सटी सेवन से हल करेंगे, देख लेते हैं। 67 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे कारखाना लिफ्टिंग जैक के लिए प्रसिद्ध है? तो अपन जमालपुर कारखाने का पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, जमालपुर ही आंसर आएगा। जमालपुर कारखाना पूर्व रेलवे, तो जो 67 है उसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजी वर्जन अपन देख लेते हैं। इंग्लिश सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे वर्कशॉप इज द फेमस मैन्युफैक्चरर ऑफ लिफ्टिंग जैक? ऑप्शन ए है गोल्डन रॉक वर्कशॉप SR, परेल वर्कशॉप CR, मैकेनिकल वर्कशॉप ASR, NR, जमालपुर वर्कशॉप ER। तो जमालपुर वर्कशॉप ER आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 में डी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस सिलेंडर को किस पोजीशन में रखा जाना चाहिए? तो गैस सिलेंडर को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए, वर्टिकल। गैस सिलेंडर शुड बी केप्ट इन पोजीशन, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वर्टिकल। तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वर्टिकल। 69 है, इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑक्सीक्लीन वेल्डिंग इज ए। तो हिंदी में देख लेते हैं, ऑक्सीक्लीन वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है वेल्डिंग टार्च, वेल्डिंग रोड, प्रेशर रेगुलेटर। उपरोक्त तीनों, आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, तो वो एसी को डीसी में बदलने में होता है, एसी टू डीसी को कन्वर्ट करने में होता है। तो यहाँ है जो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 71 है, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग ए? तो यहाँ रेजिटेंस वेल्डिंग नहीं, टिग वेल्डिंग TIG नहीं, मैनल्ट इनल्ट गैस MIG नहीं, थर्मिट वेल्डिंग यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 72 है, गैस वेल्डिंग में कौन से रेगुलेटर को पहले बंद करते हैं? तो एसीटिलीन को सबसे पहले बंद करते हैं, ऑप्शन बी। विच गैस रेगुलेटर शुड बी क्लोज फर्स्ट इन गैस वेल्डिंग? ऑक्सीजन, एसीटिलीन। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आएगा 72 में, ऑक्सीटिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
34.07 है और 0.0007 है, प्लस 0.7 है, तो जोड़ने पर इनको क्या आएगा, तो जोड़ लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन 34.07 लिख लेते हैं। उसके बाद बोला है 0.0004 अंकों में बोला, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, 2 और 3 और आपके 7, ठीक है। फिर बोला है 0.7, ठीक है, ये फिर 0.7 आपके हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं, ये 7 आ गया, फिर 0 आ गई, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर पॉइंट आ गया, फिर 34 आ गया, तो ये हो जाएगा आपके 34.7707। तो ये किस में है, तो ये आपके ऑप्शन ए में है। तो 73 का आंसर ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, 73 में, 73 में ए आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अंडर रूट 289 का कितना होता है, तो ये 17 × 17, ये आपके 289 हो जाएंगे, 289 हो जाएंगे, 289 हो जाएंगे, तो ये अंडर रूट आपका 17 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर बी में है, 17, तो यहाँ पे 74 का बी आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 18 60 का कितना प्रतिशत है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 18 × 100/60, तो ये 0 से 0, ये 3 बार, 3 × 10 30, तो ये आपके 30% आ जाएगा, 75 में बी आंसर हो जाएगा, 30%। चलिए, यहाँ पूछा है 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, प्रश्न नंबर 76 है। तो 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg होता है, 1000 kg होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1000 kg, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, 76 में बी आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद पूछा है आपका 77 में 3 अनुपात 13 समानुपात 15, तो यहाँ क्या आएगा, तो देख लेते हैं, 13 × 15 अपॉन में आ जाएगा 3, और यहाँ 3 × 5 = 15, तो 13 × 5 = 65 आपका यहाँ आंसर बनेगा, 65। तो 77 में सी, तो यह आपका 77 में सी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है, तो ये 15 दिन है, और यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ये दो बड़े जीवित बच्चों पर मिलती है, दूसरा है ये 15 बच्चा प्रति बच्चा मिलती है, यानी 15 15 प्रति बच्चा मिलती है, तो यानी 30 दिन की मिलती है। तीसरा आपके यहाँ है, ये 6 महीने के अंदर अंदर लेनी पड़ती है, अन्यथा ये लैप्स हो जाती है। और चौथा है, ये आपके पितृत्व अवकाश 7/10/1997 से लागू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये डिलीवरी पीरियड से 6 महीने के अंदर अंदर लेनी पड़ती है, और दो बड़े सबसे जीवित बच्चों पर मिलती है, और ये 15 प्रति बच्चे पे मिलती है, और ये आपके रेलवे में जो पैटेंट लीव है वो 7/10/1997 से मिलना शुरू हुई थी। तो ये आपका 14वां ये प्रश्न आपका हल हो गया, 78 था ये, तो 78 में सी ऑप्शन आ जाएगा।
नेक्स्ट है कि यदि 300 अर्जित अवकाश लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सके तो प्रतिपूरक के रूप में से अवकाश उपयोग किया जाएगा, तो वह है आपका अर्धवेतन अवकाश, जिसको अपन HLAP बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर है, रेल कर्मचारी को कितने सेट स्कूल पास दे हैं? तो 3 फुल सेट, 3 फुल सेट और 6 हाफ सेट, 6 हाफ सेट मिलते हैं, 6 हाफ सेट मिलते हैं। तो यहाँ पे जो 3 फुल सेट आ जाएगा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इश्यू टू रेलवे एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे 3 सेट पास प्रति वर्ष, 3 सेट पास पर ईयर। अंग्रेजी में देख लेते हैं, हाउ मेनी सीट्स ऑफ स्कूल पास इश्यू टू रेलवे एम्प्लॉय, तो ये 3 सेट्स पर ईयर हो जाएगा। तो यहाँ जो 80 में है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ये ध्यान से, शुक्र है, सौर मंडल का सबसे ग्रह शुक्र है। इसको इंग्लिश में आप वीनस बोल सकते हैं, इंग्लिश में वीनस। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वीनस। चलिए 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन एक बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली है? संगीत प्रणाली, पर्यावरण, परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो एनवायरमेंट, और ये आपके पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून को ये आपके, 5 जून को ये आपके पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 83 है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? पर्यावरण के लिए जो खतरा है, बढ़ती आबादी खतरा है, बढ़ते पौधे खतरे नहीं है, बढ़ते उद्योग भी खतरा है, ये सभी नहीं। यहाँ बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, बढ़ते पौधे यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए अपने को, पर्यावरण को बचाना है तो ये प्रण करना चाहिए कि अपने जीवन में एक आदमी को 100 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। तो आप भी अपने जीवन में कम से कम पूरे जीवन में 100 पेड़ लगा के जाइएगा, तो 100 पेड़ों का फायदा आपके आने वाले पीढ़ी, आने वाले जो आने वाली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उसको इसका फायदा मिलेगा। तो ये प्रत्येक रेल कर्मचारी का दायित्व होना चाहिए कि वो उसके जीवन में कम से कम 100 पेड़ लगाए, ताकि पर्यावरण पे कोई खतरा नहीं आए, तो ये अपने को प्रण करना चाहिए। चलिए ये आंसर की बात करते हैं अपन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू एनवायरमेंट, तो यहाँ जो ग्रोविंग प्लानेट्स है, प्लांट्स हैं, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? नौकरियों के लिए, बेहतर चिकित्सा के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, ये सभी। तो कॉमन सी बात है, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? नौकरी करने के लिए भी जाता है। आदमी अमेरिका चल जाता है, किस लिए जाता है? नौकरी के लिए जाता है। दुबई चला जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है। इंडिया में कहीं भी चला जाता है, नौकरी के लिए जाता है। बेहतर शिक्षा के लिए भी वो विदेश में पढ़ना चाहे तो विदेश चला जाता है, और कहीं दिल्ली जाना हो तो दिल्ली चला जाता है। इंडिया में कहीं भी बेहतर शिक्षा के लिए वो जा सकता है। चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी वो कहीं भी विदेश में भी अपना इलाज करा सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो तीनों सही है, यहाँ ये सभी आ जाएगा। और इस प्रश्न की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके कॉमन सेंस के प्रश्न है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई नोट्स, स्टडी मटेरियल, कोई किसी की जरूरत नहीं है। कॉमन प्रश्न था आपके दिमाग का यूज करने के लिए, तो इसमें आपके ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, इफ ए पर्सन हैज 5 रजिस्टर्स इच ऑफ वैल्यू 1 ओम, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस द कैन ऑब्टेन बाई कनेक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ यदि किसी व्यक्ति के 5 प्रतिरोधक है, ठीक है, इनमें से प्रत्येक का मान 1 ये है, ठीक
ठीक है, इन्हें जोड़ करो अधिकतम कितना प्रतिशत, तो 5 के लिए बोल रहा है तो जोड़ लेते हैं, एक एक, फिर दो, फिर तीन, और फिर आपके ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5, तो इनको अपन जोड़ेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 ही आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ आपका 85 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए 86 में चलते हैं, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। 85 में, 85 में आपका आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा करेक्ट। चलिए 86 में चलते हैं। औद्योगिकरण से अक्सर होता है, क्या होता है औद्योगिकरण से? औद्योगिकरण से गरीबी हटती है, जनसंख्या बढ़ती है, विकास होता है। सबसे उपयुक्त आंसर है विकास होता है, डेवलपमेंट। यानी इंग्लिश देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू, तो ये डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो यहाँ 86 में सी हो जाएगा। विच मेटल इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, किस धातु को अक्सर अत्याधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ स्टील को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, ऑप्शन ए। विच मेटल इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो ये स्टील आ जाएगा, ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, 88 में कह रहा है धारावी द लार्जेस्ट स्लम ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? तो झुग्गी बस्ती आप जानते ही होंगे, ये मुंबई में है, सबसे बड़ी बस्ती है झुग्गी, ये मुंबई में है। और यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो 88 में डी बनेगा। चलिए 89 देखते हैं। हमारे संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अपनाना, बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू धर्म को वरीयता, ये नहीं है। सभी नागरिकों को समान अधिकार, ये सही है। सबसे गरीब और सबसे उच्च भारतीयों के लिए विशेष अधिकार, ये भी है। तो कौन सी विशेषता नहीं? तो हिंदू धर्म को वरीयता, यहाँ सभी धर्मों को समान वरीयता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये यही आंसर बी हो जाएगा। विच इज नॉट द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फाइनेंस, ओके, प्रेफरेंस टू हिंदू रिलीजन, ये आपके गलत हो जाएगा। इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन, ये ओके है। स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज इंडियंस, ये भी आपके राइट हो गया। तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 89 में सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ये 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड वर्किंग इन ये फैक्ट्री, तो उसको चाइल्ड लेबर बोला जाएगा, ऑप्शन ए। कारखाने में काम करने वाले 10 वर्षीय बच्चे के लिए किस शब्द का प्रयोग करे जाता है? तो बाल श्रम में आ जाएगा। चलिए 91 है, 91 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो ये जो आपके 1331 है, ये जो 1331 है, तो ये 11 का क्यूब है, 11 × 11 इसका क्यूब है, तो ये तो सही है। दूसरा 512 है, ये आपके 8 का है, तो ये भी आपके सही है। तीसरा आपके 343 है, ये आपके 7 का है, तो ये भी आपके सही है। ये जो चौथा है, ये अगर यहाँ करें अपन, तो ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो डी बनेगा। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर। निम्न में से कौन संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो 100 यहाँ पूर्ण घन नहीं है,
तो यह डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। 15 15 बुक्स वेट 6 kg, व्हाट विल 6 बुक्स वेज। तो यहाँ क्या जाएगा, 15 किताबों का वजन 6 किलो है, तो 6 किताबों का वजन कितना होगा। देखते हैं, यहाँ हम करते हैं 6 × 6/15, ये 2 बार गया, ये आपके 5 बार, ये आपके 12 आ जाएगा, 12 में हम 5 का देंगे, ये 2.4 आ जाएगा। तो 2.4 kg आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके 2.4 kg ऑप्शन बी में है। तो 92 में यहाँ बी आंसर हो जाएगा, 92 में बी आंसर, 92 में बी। चलिए नेक्स्ट है। कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है, भूकंप प्राकृतिक घटना है, चक्रवात भी प्राकृतिक घटना है, बिजली भी प्राकृतिक घटना, अर्थिंग या प्राकृतिक घटना नहीं है। विच इज नॉट ए नेचुरल फेनोमेना, यानी अर्थक्यूक, साइकिल्स, लाइटिंग, अर्थिंग। तो अर्थिंग आपका आंसर यहाँ डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर्ड टू अस, वनों की सफाई को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपके वनों की कटाई, यहाँ वनीकरण, मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, स्वच्छता, वनों की कटाई यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू अस, तो डिफोरेस्टेशन आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 94 में सी। नेक्स्ट है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, कॉपर एक गुड कंडक्टर होता है, तांबा है एक अच्छा कंडक्टर है, तो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर 95 में ऑप्शन ए। चलिए 96 है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो तो विद्युत प्रवाह, तो ये विद्युत प्रवाह कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो ये आपके इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो 96 में डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 है, ए टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस बर्न्स इज कॉल्ड, यानी कि 97 की बात करें, ए टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस बर्न इज कॉल्ड, तो ये जो 97 है आपका, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपके पिघलने उबलते तापमान, जलाने का तापमान, वाष्पीकरण। तो यहाँ जलाने का तापमान ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ए टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस बर्न इज कॉल्ड, तो मेल्टिंग, बॉइलिंग टेम्परेचर, काइलिंग टेम्परेचर, एवापोरेशन। तो ये जो 97 है ये सी हो जाएगा आपके लिए, काइंड लाइन टेम्परेचर, यानी जलने का तापमान। तो 97 में सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ है 98 है, द जर्नलाइज फॉर्म ऑफ द नंबर 2, 3, 4 इज। तो यहाँ 2, 3, 4 इज के लिए संख्या का सामान्यीकृत रूप देख लेते हैं, तो यहाँ जो बनेगा 2 × 100 + 3 × 10 + 4, यानी कि 200 प्लस हो जाएगा यहाँ 30 प्लस हो जाएगा 4, तो ये आपके हो जाएगा 234। तो ये आंसर यहाँ जो फिट बैठ रहा है ऑप्शन ए है, 98 का ए, ये 100 × 2 फर्स्ट आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, जिनमें से 40 लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियां हो गई आपके, ठीक है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 4:1 होगा, तो आपके 4:1 ऑप्शन सी में है।
तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा, 97 का सी। देर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ विच 40 आर बॉयज एंड द टेस्ट आर गर्ल्स, द रेटियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर इज गर्ल्स। तो ये 40:10, तो ये आपके 4:1, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं इसमें। डीडीटी वाज इन्वेटेड बाय, डीडीटी वाज इन्वेटेड बाय, तो यहाँ पे जो शो का आंसर बनेगा वो मोसले बनेगा, मोसले, डीडीटी, डीडीटी, डी डी टी, डीडीटी का आविष्कार जो किया था वो किया था आपके मोसले ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, डीडीटी वाज इन्वेटेड बाय मोसले, ऑप्शन ए, 100 में ए आंसर आ जाएगा। तो ये थे साथियों आपका पेपर, और अब इसमें राजभाषा है, तो राजभाषा को भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए राजभाषा की शुरुआत करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया? तो राजभाषा अधिनियम आपके 10 मई 1963 को बनाया गया, और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को संशोधित हुआ। ठीक है साथियों, तो ये आपका आ जाएगा 10 मई 1963, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राजभाषा संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन टू में 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये आपके टोटल 30 सदस्य हो जाते हैं आंसर। चलिए भारत की राजभाषा नहीं है, यहाँ पर भारत की राजभाषा कौन सी नहीं है? तो देखो यहाँ मिजो भी है, हिंदी भी है, कोंकणी भी है। कोंकणी आपके 1992 में जोड़ी गई थी आपके 71वें संविधान संशोधन के तहत, और हिंदी तो है ही, मिजो भी है, कन्नड़ यहाँ नहीं है, कन्नड़ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो ये 14 सितंबर 1949 को मिली, ऑप्शन बी आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? वो है आपके आर्टिकल 348, आर्टिकल 348 से ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा के यूज से संबंधित है, तो ये आपका 300, आर्टिकल 348 हो जाएगा। 43(1) में राजभाषा का प्रावधान है, और इसमें आपके 344 में राजभाषा नियम आयोग वगैरह इनका है, और 46 में संघीय और राज्य की वो है, संघीय और राज्य की। तो राइट आंसर बनेगा वो आर्टिकल 348 ही बनेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के बयान का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि हिंदी के प्रसार प्रसार करना, हिंदी के विकास को बढ़ावा देना और दायित्व का वहन करना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 351 में है, 351 में है, तो ऑप्शन डी या ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है, राजभाषा अधिनियम 1976, पहले बात तो मैं बता दूं, राजभाषा ये अधिनियम नहीं होता, ये नियम होता है। 1976 जो कि आपके
17 जुलाई 1977 को बना था या पारित हुआ था। तो के अनुसार इन दिगो प्रयोग की दृष्टि से कितने राज्य में बांटा गया है? तो ये तीन में बांटा गया है, क, ख, ग व अंग्रेजी के अनुसार ए बी सी रीजन। तो यहाँ तीन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 128 अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, तो वो आपके 351 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राजभाषा आयोग से संबंधित जो संविधान है, अनुच्छेद है वो 344 है। 300 राजभाषा आयोग गठित करने का जो प्रावधान है वो 344 है, 344 ये है ऑप्शन में। तो यहाँ डी आंसर इज करेक्ट। और लास्ट है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 में की गई थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री बीजी खेर थे। बीजी खेर थे उस समय तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री। बीजी खेर का मतलब होता है बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। ये जो आंसर बनेगा आपका बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन सी में है। तो ये साथियों, ये पेपर था आपका पूर्व रेलवे जमालपुर रेलवे का जेई का पेपर था, और ये पेपर हमें श्री उमा शंकर जी ने शेयर किया था बीआर क्लासेज को। उमा शंकर जी पूर्व रेलवे जमालपुर रेल कारखाने में टेक्नीशियन 1 के पद पर कार्यरत हैं, और उन्होंने ये पेपर हमको बीआर क्लासेज को शेयर किया था। तो उमा शंकर जी को धन्यवाद, और आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो ये आपका पेपर पूरा सोल्व हो गया है। स्टडी करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद।